हमारी देह गाय बोलते जिसको हम बेच भी सकते, उसका दूध भी नहीं बेच सकते। जिसने घर में बांध ली तो उसके प्राण पूरे हो सकते, लेकिन उसी मकान में रहेगी, उसके बोल तो देही गाय। वो देही गाय का एक बछड़ा जिसने जन्म लिया, और किसान के घर में मेरे श्रोताओं खूब कमाया, पूरी जवानी कमाया, पूरी उम्र कमाया, और जब बुढ़ापा आया नहीं, नार डक लग गया आलन उस बैल की, और ठान के अंदर पैर पसार के बैठ गया। यूपी साइड से आते थे लाला मुंडा चाले, हमारे बुड्ढे नु कहा कर दे के भाई ये कसाई है, इन बैलों को इन गवों को वहां काटते हैं, ले जाते यहां से खरीद के। आवाज लगाई के भाई किसी को बैल बेचना हो, किसी को बैल बेचना हो। किसान आवाज सुन के भाई तेरा बैल बुढ़ा हो चुका, तू इसको बेच दे तो ठीक है। उस ग्राहक को लेके आने वाला के मेरे को ये बैल बेचना है। जब उस बैल की तरफ देखा, नोबला के किसान और जमींदार कितने पैसे में बेचेगा, नोबला ओनली 200 रुपए में। जब 200 रुपए का जिक्र किया तो नोबला भाई 200 रुपए की कोई बात नहीं किसान, मैं 200 रुपए का बैल आपका ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात करो, सबसे पहले से एक बार खोल के ने और चाल के दिखा दे इसकी चाल कैसी है, मैं 200 रुपए आपको उसी टाइम दे दूंगा। आज हम 200 रुपए का जिक्र किया, बैल को खोलने के लिए वो जमींदार उसका जोड़ा खोलता है, निच्चा होकर जब जोड़ा खोला लगा उसके कंधे पर गर्दन टेक ली उस बुड्ढा बैल ने। ध्यान से सुनना, बड़े दर्द भरे बोल है आज के कवि के, हमारे बड़े भाई आजाद सिंह खाना खेड़ी से उसकी लिखी कलम है, उसका लिखा एक और बहुत अच्छा लेके आता मैं बैल का, लेकिन इसकी फरमाइश थी वो सुनाएंगे। और उसके आंखों से आंसू टपकने लग गए, कवि ने उसका दर्द लिखा उन आंसुओं का, अनमोल पशु का, अनमोल धन का। नोबला के जमींदार मैं पूरी उम्र तक खेत में कमाया हूँ, सिर्फ मेरी इस एक तमन्ना को पूरी कर दे, मैं पूरी उम्र तेरे गुण गाऊंगा, अगले जीवन में जहां भी जन्म लूंगा, जहां भी जाऊंगा, नरक में जाऊं चाहे स्वर्ग में जाऊं, मैं तेरे गुण नहीं भूलूंगा। नोबला कौन सा आंसू के जरिए उस कवि ने उसे बोल लिखे दर्द भरे, क्या लिखा, क्या लिखा? नोबला के आया बुढ़ापा कड़वा करके और मत ना बेच किसान मने। नोबला की बक्का मेरी कितनी अवस्था थी, बिल्कुल नादान, और 1.5 साल का कितना बच्चा होता है, जब से मैं तेरे काम आने लगा था 1.5 साल का, जब मैं तेरे जन्म लेके 1.5 साल का हुआ तब सबसे पहले क्या किया तूने मेरे साथ, और 2 साल का हुआ जब के गया अपना बचपन, अपना बचपन याद करवाता उस किसान को। ध्यान से सुना क्या बता, मेरा 1.5 साल का बच्चा था रे, 1.5 साल का
तकड़ी धूप कितनी तकड़ी गर्मी और वो का महीना कितनी सर्दी अरुण बलावा आई अलचल कर तेरी जो थाली थी दो हाथ नीच दाग दी किसान ऊपर ऊपर को चलिया कर दी मन क्यूकर खींची वाह और कैसे मेरा दादा में और गर्मी में मेरा शरीर सत्या कैसे जाया जाटे मछरी कल खरा जाटे मछरी कल खरा अर गम कल बया करता गुट डूबे और की फाड़ी चटकारी कल चलिया करता नहीं कदे भी कली मनी मेरा कंधा खूब बया लास्ट तमन्ना है कि पूरी उम्र तेरे कमाया हूं मेरी एक इच्छा को पूरी कर दे कौन सी इच्छा ध्यान लगा के सुनना कौन सी बताई ध्यान लगा के सुन अन्नदाता
मुंह में बोल नहीं, सारी जवानी खेत कमाया कद होया दमा डोल नहीं, मेरे ठाण में पैर अरे आया बुढ़ा कुर्सी का ध्यान से सुनना, तेरे ध्यान लगा के सुन मन दाता, तेरे ध्यान है पैर पसारू पिछे दे जचमा, आया बुढ़ा बाबा तेरे हाथ में पैर है पकना भी किसान है सुबह पाते शक्ति लास्ट कली इस भजन की। आपने अगर तीन कली सुनी ना सुनी कोई बात नहीं, इस चौथी कली पर ध्यान दे लो, सारे भजन का निचोड़ इस लास्ट कली में कर दिया कवि ने। नोबला या बात सुन ले, अकेले तेरे तेरे नहीं जमींदार, जितने हिंदू भाई है नी सबके दोष लगे, नोबला कौन सा दोष बतान लगे क्या बताया। मना मार दे कोई गम नहीं, और उनका साया का धरना कटवाओ मेरे इस बात ने, पता कैसे काटेगी नोबला कैसे क्या बताया। हेरा मत ना हवाले कर मन, मत ना हवाले कर मन, हेरे किन पे दर्द कसाईया के अखे में मेरा कात फसा दे, दया नहीं अन्याय आ गए, मेरी नाड़ पे आरा धरते लगा जत जननी मैया गए।